क्या गुनाह उन्होंने कर दिया भाई? उन्होंने तो जो पहले से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनकी निकाह कराने के लिए तो बात कही थी। जो पहले से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, खामोशी से दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, ये एक मंच पे ला करके सारे हिंदू समाज, पूरे भारत के हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं ये। अच्छा, माहौल खराब करने, माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, देश को में आग लगाने की साजिश की जा रही है। अरे सैकड़ों मुसलमान युवक युवतियाँ ऐसे हैं जो हिंदू बन चुके हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हमने इन्हें मुसलमान से हिंदू बनाए या हिंदू से मुसलमान बने। जो चीज़ें जिसकी मर्जी है वो करे, लेकिन खुले मंच पे देश में आग लगाने का काम तो आपके यहाँ भी तो साजिश रची जाती है। आप लोग भी तो एक जो है मुसलमानों की लड़कियों को जो है फंसा कर उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराने की जो है साजिश रच रहे हैं। अगर इसमें की एक भी कोई शिकायत आई हो कि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन हिंदू समाज ने कराया हो, उसके लिए जो दंड का अधिकारी है मैं उसे भोगने के लिए तैयार। अच्छा, अगर जो करता है ये जो साजिश रच रहा है मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाने की, जो इसमें की साजिश रचता है उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाए जो एक गुनाहगार के साथ किया। शिव शक्ति सेना जो है मुसलमानों के साथ खड़ी है, जो देश का सच्चा मुसलमान है उसके साथ है, देश का सच्चा सिख है उसके साथ है, देश का सच्चा ईसाई है उसके साथ है, देश का हिंदू है उसके साथ भी सब खड़े हैं, लेकिन गद्दारों के साथ कोई नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने तो यही कर दिया ना कि 23 लोगों को जो है बता रहे थे निकाह कराएंगे, क्योंकि उन्होंने बकायदा प्रशासन अनुमति मांगी थी। ये देश के ठेकेदार हैं, कौन है ये, क्यों कराएंगे भाई, क्या चाहते हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं।